भौतिक विज्ञानी रोनाल्ड मेलेट कहते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित कर सकता है और प्रकाश गुरुत्वाकर्षण पैदा कर सकता है तो प्रकाश समय को प्रभावित कर सकता है। समय यात्रा हम में से कई लोगों के लिए एक सपना है। समय यात्रा विज्ञान कथा है, लेकिन कनेक्टिकट विश्वविद्यालय में भौतिकी के एमेरिटस प्रोफेसर रोनाल्ड मेलेट का मानना है कि एक दिन हम समय में यात्रा करने में सक्षम होंगे। एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी के रूप में वह आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में माहिर है और ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी और समय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ई टाइम्स यूरोप के साथ एक वीडियो साक्षात्कार में मेलेट ने समझाया कि समय का क्या अर्थ है और एक दिन समय यात्रा कैसे संभव हो सकती है। समय अवधि के साथ जुड़ा हुआ है, मेलेट ने कहा, यह अस्तित्व की दृढ़ता है, इसे अस्तित्व में रहने के लिए बने रहना होगा। आइंस्टीन ने कहा कि ऐसे तरीके हैं जिनसे समय को बदला जा सकता है। मेलेट ने जारी रखा, मुझे आइंस्टीन को समझना होगा, क्योंकि अगर मैं आइंस्टीन को समझता हूँ तो मैं यह पता लगाने में सक्षम हो सकता हूँ कि समय को कैसे बदला जा सकता है। यदि गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित कर सकता है और प्रकाश गुरुत्वाकर्षण बना सकता है तो प्रकाश समय को प्रभावित कर सकता है। यही मेरे काम का मूल है। एक रिंग लेजर प्रत्येक कोने पर एक दर्पण वर्ग की तरह प्रकाश की एक परिसंचारी किरण बनाता है और प्रत्येक दर्पण से प्रकाश को उछाल देता है। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के समीकरणों को हल करके प्रोफेसर मेलेट ने प्रकाश के परिसंचारी बीम के क्षेत्र में अंतरिक्ष और समय के व्यवहार का अध्ययन किया है। मैंने जो पाया वह यह है कि दो अलग अलग चीजें हुई। प्रकाश की एक परिसंचारी किरण वास्तव में खाली जगह को घुमा देती है, मेलेट ने कहा, जिस तरह से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक कप कॉफी है, आपको लगता है कि कॉफी खाली जगह की तरह है और आप सोचते हैं कि आपका चम्मच प्रकाश की परिसंचारी किरण की तरह है। यदि आप कॉफी को हिलाते हैं तो कॉफी चारों ओर घूमने लगती है, यही प्रकाश की परिसंचारी किरण खाली जगह में कर रही है, यह इसे चारों ओर घुमा रही है। आइंस्टीन के सिद्धांत में अंतरिक्ष और समय जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास कागज का एक टुकड़ा है और आप उस पर एक सीधी रेखा खींचते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अतीत को कागज के बीच में रखते हैं, वर्तमान को रेखा के शीर्ष पर और फिर विपरीत बिंदु पर भविष्य। अब मैं इस रेखा के स्थान को एक लूप में मोड़ सकता था, मैं उस वक्र के साथ वर्तमान में जा सकता था, उस वक्र के साथ भविष्य में जारी रह सकता था। तो अंतरिक्ष को घुमाकर मैं लिंक को लूप में घुमा सकता हूँ और समय का यह चक्र मुझे पथ पर वापस जाने की अनुमति दे सकता है। लेजर प्रकाश की परिसंचारी किरण वास्तव में उस बिंदु पर अंतरिक्ष के मुड़ने का कारण बन सकती है और इस प्रकार समय का एक घुमाव हो सकता है, मेलेट ने कहा। यहाँ एक लेजर चालित टाइम मशीन की संभावना आती है।